हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। हम आ चुके हैं लेबर बाज़ार लेबर ले जाने के लिए, या फिर रेजा जो भी मिले कुछ ले जाने के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ से कोई एक जन जाने के लिए तैयार ही नहीं है। भाग ऐसे रहा है जैसे कि वो लोग का रेप करने वाले से लेके जा रहे। सॉरी गाइस, गलत बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन वैसा ही हो रहा है, तो क्या बोल सकते हैं हम। छोड़ दीजिए, तो अब लगता है कि हमारे ठेकेदार को आ गया गुस्सा और ये बोल रहा है कि अब छोड़ देंगे, नहीं लेके जाएंगे। तो अब लगता है कि हम लोग साइड पे जाएंगे और दो जन को ही मिल के काम करना पड़ेगा। दो जन ही काम करेंगे, जैसे कि देखिए आप लोग चल पड़े, देख सकते हैं रोड में भाई, और आप चल पड़े काम की और। लेबर भी नहीं गया, रेजा भी नहीं गया, तो हम लोग चल पड़े हैं काम की और। और जा करके वो काम करना है, फिर वही गरीबी वाला फीलिंग लाना है, कुछ दिन याद करना है, कुछ वो बातें को याद करना है जिस वक्त हम खुशी रहा करते थे, कुछ उस बातें को याद करना है जब हम दुखी हुआ करते थे, और कुछ इस बात को भी याद करना है कि हम इस जैसे तैसे आ करके टैल का काम सीखे कैसे। भाई ये कहानी सुनोगे तो तुम लोग भी बोलोगे कि बड़ा कमबख्त है तू जो तूने ऐसा किया। देखिए भाई, मैं आ चुका हूँ टोटल सेंट्रल पॉइंट। अब निगा हेलमेट पहन लेता हूँ ब्रो, मेन रोड है ना, बगल उगल लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हेलमेट पहले बढ़िया से पहन लेता हूँ मैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो फिर वाट लग जाएगा, फिर ठेकेदार बोलेगा अरे लेबर तो मिला नहीं और तू भी क्यों ना लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना है, हर शख्स को देख के चलना है। तो मैं अच्छे से हेलमेट पहले पहन लूँ, क्योंकि अच्छे से कर लूँ, फिर देखिए भाई नगर निगम का बस फिर हम उसमें भी ट्रेवल किए भाई, सफ़र किया करते थे जब चुपचू आना जाते थे काम करने के लिए। भाई बहुत दूर दूर जाना पड़ता है काम करने के लिए, क्या बताऊँ। मैं निकलता था बुक्की मोड़ से सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे लगभग इसी तरह, और जाता था चुपचू आना काम करने। चुपचू आना समझ रहे हो भाई, कहाँ है बुक्की मोड़ कहाँ है, बहुत टाइम लग जाता था। साइकिल से जाते जाते तो हमको लगता है कि 1 घंटा तो निकालने लग गया था भाई, इतना दूर है। जबकि कहीं रुके भी नहीं थे और कहीं धीमे भी नहीं चले थे भाई, फिर भी इतना टाइम लग गया था। मेन रोड तो अभी तो पूरा का पूरा खाली लग रहा है भाई, जैसे कि सन्नाटा छाया हुआ है मेन रोड में, देख सकते आप लोग। और यही शाम का टाइम में अगर दिखा दूँ ना भाई, तो आतंक खेती है मेन रोड में। शाम गाड़ी चलने की जगह नहीं, पैदल भी चलोगे तो पैदल चलने का भी जगह नहीं होती है, बिल्कुल तरह से एकदम जैम पड़ा हुआ रहता है भाई। तो अभी देखिए पूरा कोला भाई, फिनलैंड जो ठेकेदार पूछ रहा है हेलमेट पहनना, अभी बोल दिए पहन लिए, वो तो अपना घर का बात हो जाता है। और चल पड़े हम अपना काम की और, हर चीज़ जाएगा लेकिन हम लोग के लिए थोड़ी ना है। हम लोग तो गरीब बैठे हैं, तो उन लोगों के लिए जिन लोग के पास करोड़ों की संपत्ति है, लाखों में खेलता है, हर दिन करोड़ों का दिन करता है, तो उन के लिए ना ब्रेजा है, सवारी है। इस गाड़ी में दे सकते हो तो कोई खास नहीं किसी को। यार आप